अभी मैं दिल्ली में ही हूँ, अभी मैं घर पे नहीं गया हूँ। यहाँ पे कुछ काम था, मेरे टीचर्स थे, उन्होंने बोला था कि यहाँ पे स्टे करेंगे, तो मैंने अपना टिकट कैंसिल करवा दिया था। और अभी टाइम था, फ्री था, और मुझे एक मेरे दोस्त मिले हैं जो मेरे सब्सक्राइबर ही हैं, उनको उन्होंने भी मेरे वीडियोस देखे हैं और उनको काफ़ी हेल्प हुई है। सो जानते हैं कि उनको कौन कौन सी चीज़ें ऐसी पसंद आई हैं जिनसे उनका जो JLPT का एग्ज़ाम हुआ था उसमें हेल्प मिली है। सो से हाय मिशन। हाय। ओके, सो आपको ये बताना है कि जैसे फर्स्ट आपने क्या देखा था, फर्स्ट कैसे ढूंढा था मेरी वीडियोस को? ओके, सो जापानीज में मेरे को बहुत इंटरेस्ट था, मेरे को पढ़ना था, तो मैंने सर्च किया तो मेरे को आपका N5 का वीडियो मिला था, जहाँ पे आपने मेरे को बताया था, आपने सबको बताया था कि क्या क्या आपके ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या पैटर्न्स होते हैं, कैसे कैसे आप पढ़ते हो, आपके एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, वो सब बताया था। तो मैंने वहाँ से देखा, वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली ये जानने में कि JLPT का एग्ज़ाम आपको स्टार्ट कहाँ से करना, क्योंकि आपने कुछ ऐप्स, कुछ बुक्स, ये सब भी बताए थे, तो वहाँ से हेल्पफुल थी बहुत। देन उसके बाद से फिर जो जो मुझे डाउट्स आते गए, उन डाउट्स की वीडियोस मुझे मिलती गई, जैसे कुन्योमी उन्योमी, उस पर वीडियो था, फिर लिसनिंग पे, शैडो स्पीकिंग पे। तो जो जो डाउट्स एक N5 के नॉर्मल बच्चे को आते हैं, जो स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, उन डाउट्स के वीडियोस मेरे को मिले, मैंने देखा, मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई उन सब चीज़ों में। ओके, सो जो बेसिक आप देखोगे कि जो बेसिक डाउट्स हैं ना, वो सारे के सारे मैंने पहले कवर कर लिए थे, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम सभी को होती है जब वो पढ़ते हैं, तो मुझे प्रॉब्लम्स जितनी हुई थी मैंने डाल दी, और अप्रॉक्सीमेटली 90% जो होते हैं उनकी सेम वही प्रॉब्लम होती है, तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो वहाँ से सोल्व हो जाती है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग कि तो मैंने एक फॉर्म भी भेजा था, एक पोस्ट किया था, जिसमें आपको एक क्वेश्चन को सोल्व करना है, जस्ट एक क्वेश्चन था उसमें, उसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस थे नहीं, तो उसने कैसे हेल्प किया आप बता सकते हो उसके बारे में? तो मैंने टू बी ऑनेस्ट वो पेपर सिर्फ मिनानो नेहमो का फर्स्ट बुक करके दिया था, बिकॉज सेकंड बुक करने का मेरे पास इतना टाइम नहीं है आजकल, तो मैं फर्स्ट बुक कर ली थी। उसके बाद मैंने आपका फॉर्म देखा, मैंने पेपर देखा, तो मैंने कहा चलो ये ट्राई मारते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए। उसमें पैसेज था एक, वो पैसेज रीड करना, फिर उसमें से क्वेश्चन ढूंढना, तब आपका वो एक जो सैम्पल पेपर का वीडियो है जिसमें आपने बताया था कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो मैंने नहीं देखा था, उस टाइम वो आया नहीं, तो मैंने इसमें पहले खुद से ट्राई किया कैसे पैसेज सॉल्व करते हैं, तो मैंने पूरा पैसेज पढ़ा, उसको देखा, उसको सॉल्व किया। तो उससे ना, जब आप खुद से एक चीज़ पढ़ते हो, खुद से करते हो, आपको पता है ये चीज़ आपको सबमिट करनी है, क्योंकि आप उस बंदे को फॉलो करते हो, तो क्या पता वो चीज़ वो देखें, तो उस मोटिवेशन से मैंने वो सॉल्व किया, उस मोटिवेशन से मैंने वो चीज़ पढ़ी, समझी, तो उससे मुझे ये पता चला कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। अगर आज आप मुझे कोई पैसेज दोगे तो मैं कितना आंसर कर पाऊंगी और कितना उसको दे पाऊंगी और कितने मेरे मार्क्स आएंगे और कहाँ मुझे इम्प्रूव करना है। इवन आपका जैसे कि एग्ज़ाम होता, अगर आपके पास कोई एक फिल्टर नहीं होता ना कि आप कितना कर चुके हो, वो सही है कि नहीं है, आप एग्जाम में बैठोगे तो क्या आप कर पाओगे, एक फिल्टर होना चाहिए। तो वो जो एक क्वेश्चन था ना, सिर्फ एक क्वेश्चन था, वो एक फिल्टर की तरह काम किया कि आपको पता चलता है कि इतना कर लिया मैंने, मुझे इतना अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, और आगे मुझे कितना करना और, तो ये एक काफी ये काफी हेल्पफुल था, एटलीस्ट ये देखने के लिए कि हाँ आप उस टाइम कहाँ स्टैंड करते हो। ओके, एंड सेकंड थिंग, आपको मेरी सबसे ज्यादा बेस्ट वीडियो कौन सी लगी है? ऑब्वियसली 1.5 घंटे वाली सैंपल। ओके, 1.5 आवर की जो मैंने सैंपल पेपर सॉल्व किया था, वो काफी लोगों के रिप्लाईज आए हैं, काफी लोगों के आए हैं, इवन मुझे कॉल्स भी आए हैं कि इससे ज्यादा हेल्पफुल और चीज हो नहीं सकती। आई थिंक मुझे इतना भी बोला है कि हाँ आपने बहुत ही अच्छा किया है, एक एक क्वेश्चन को ऐसे बताया है कि जैसे एग्जाम में बैठे हो, ठीक है, तो आपको ऐसा फील ही नहीं आया कि ये कुछ बाहर से है, सब पढ़ा है, सब पता है, जस्ट एक अपना जितना पढ़ा हुआ है आपने, आपको बस वही देखना है कि आपको आता है कि नहीं आता। बाकी जो एक फॉर्म होता है, एक पेपर की टेंशन होती है, नया नया पेपर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये क्या हो गया, ठीक है, तो वो जो एक था, वो जो एक रुकावट थी ना, वो यहाँ से सॉल्व हो जाती है। ओके, एंड नेक्स्ट इज कि हमारा जो स्टार वाला क्वेश्चन होता है, उसके बारे में क्या बोलोगे आप? उसके बारे में वो
बोलूँगी कि स्टार वाला क्वेश्चन बहुत लोग नहीं कर पाते, उनको नहीं समझ में आता, उनको लगता है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, उनको लगता है वो स्टार की जगह कुछ आना चाहिए, उनको ये नहीं पता होता कि आगे पीछे भी हमें वो बाकी ऑप्शन ढूंढ के लगाने होते हैं। बिकॉज आई हैव फेस्ड दैट सेम थिंग, मेरे को लगता था कि स्टार में जहाँ पे स्टार है वहीं पे ही एक वर्ड आएगा वो चार ऑप्शन में से, वो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो लोगों में है। जब आपने बताया कि आपको चारों ऑप्शन जोड़ के वो पूरा सेंटेंस बनाना है, दैट्स व्हेन आई गॉट टू नो कि अच्छा ये ऐसे सॉल्व होता है। तो पेपर में आप, मैंने ट्राई किया पेपर में, उस सारे क्वेश्चन ईजी थे, काफ़ी ईजी थे, तो उसमें जोड़ के बनाना समझ में आ गया था कि हाँ स्टार की जगह ये लगता। बट अगर बहुत लोग वो चीज़ नहीं देखेंगे, उनको नहीं समझ में आएगा, तो क्या करेंगे, वो स्टार की जगह वो एक वर्ड लगा देंगे, बट उसमें सेंटेंस इनकम्प्लीट रहेगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, जो लास्ट पिक्चर को देख के करना होता है वो पिक्चर को देख के, सो आपने जैसे बताया था कि आपने जैसे वो चीज़ ढूंढी थी, तो हमारे N5 वाले एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया था वैसा, जहाँ पे हमें एक आर्टिकल लेके ढूंढना था, तो जिस पैटर्न में आपने उस वीडियो में बोला था उस पैटर्न में किया, टाइम काफ़ी बचा, काफ़ी टाइम बचा, बिकॉज पैसेजेस देखने के बाद नहीं होता है हिम्मत, तो उस टाइम फर्स्ट सेक्शन करके एकदम एंड वाला क्वेश्चन करके थोड़ा फ्रेश माइंड से किया तो वो हो गया। हाँ, कैसे ढूंढना है ये मैंने बताया था कि यहाँ से ऐसे करोगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। कैसे, दो तरीके बताए थे, दोनों में से कोई भी आपको अगर आ गया तो आप कर सकते हो। इवन एक चीज़ और, मेरे स्टूडेंट मिले थे प्रिया सान, उन्होंने मुझे ये बताया कि जो मेरे आगे बैठे थे, जो आगे बैठे थे, उनको इतना भी नहीं पता था कि लास्ट क्वेश्चन में आपको दो पेजेस में, एक पेजेस पे क्वेश्चन और दूसरे पेजेस पे इमेज को देख के आपको सॉल्व करना होता है। इवन किसी को यही नहीं पता तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लेगा। सो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही एक जरूरी थी कि आपको पेपर के बारे में तो पता हो कि हाँ ऐसा पेपर होगा, फिर ही आपको उसको सॉल्व कर पाओगे। अगर ऐसी आप करोगे कि मुझे तो पेपर आपने कभी देखा नहीं है, तो उसको कैसे सॉल्व कर पाओगे, है ना। बहुत लोगों को नई आइडिया होता है कि क्वेश्चन किस तरीके से करना है, मतलब कुछ कुछ जैसे आपके कांजी के वोकैबुलरी के क्वेश्चन होते हैं वो तो आपको पता है कि देख के आपको एमसीक्यू में से सॉल्व करना है, बट जैसे स्टार वाले क्वेश्चन वो ढूंढ पैसेज में ढूंढ के निकालने वाला, और पैसेज भी कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत लोग पढ़ते हैं उनको समझ में नहीं आता आंसर कहाँ है, वो पढ़ते ही रह जाते हैं, टाइम निकल जाता है। बट वो एक चीज़ जहाँ पे आप पहले क्वेश्चन देख लेते हो आपको पता चलता है ढूंढना क्या है, फिर वो पैसेज पढ़ता है अच्छा हाँ यही तो ढूंढना है, यही तो है, तो फिर आप वो करते हो। ओके, सो मैंने और मिशेल ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। इवन मुझे कुछ ऐसी चीज़ें नहीं पता थी जो कि लिसनिंग के लिए, बेसिकली आपको एक N5 लेवल की लिसनिंग ढूंढने में इतना टाइम लग जाता है ना कि आपको मिलता ही नहीं है कौन सा कंटेंट देखे N5 के लिए ही, जो उसकी वोकैबुलरीज को यूज़ करके आपको ऐसा कुछ वीडियोज़ मिल जाएँ, वो मुझे इनसे पता चला है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। और भी काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें पता चली हैं जो कि एक नॉर्मल पर्सन को नहीं मिलती हैं, ठीक है, हर कैटेगरी में, एनीमे से लेके और जो रेगुलर सीरीज होती हैं उन सभी में जो बेसिक बिगिनर लेवल का होता है वो कहाँ से मिलेगा, ये मुझे पता चला है इनसे। और आपका कोई मैसेज हो जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए, कोई मैसेज, कोई एडवाइस आप देना चाहते हो तो आप बता सकते हो। हाँ, तो आई वुड से दैट अगर आप बिगनर हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है कौन सी चीज़ देखनी, आपको कैसे लिसनिंग अंडरस्टैंड करना है, तो आप एनीमे अगर नहीं पसंद है तो सबसे छोटे लेवल पे आओ। आपको बहुत सारे दूसरे एपिसोड, जैसे अगर आप पेपा पिग जापानीज में देखोगे तो उसमें इतना इजी कंटेंट है, इतना इजी लेवल ऑफ उनका वे ऑफ पोर्ट्रेइंग दैट कार्टून इज सो डिफरेंट, आपको लगेगा कि हाँ ठीक है मैं इतने लेवल का सुन सकता हूँ, बिकॉज एनीमे भी कभी कभी थोड़ा सा तेज़ बोल देते हैं वो लोग, तो ये एक चीज़ है। दूसरा, अगर आपको ड्रामा देखना है तो एक N5 लेवल के लिए बहुत अच्छा ड्रामा है विच इज़ कॉल्ड द गुड मॉर्निंग कॉल, वो आपको नेटफ्लिक्स पे मिलेगा, एंड उसमें भी पेसिंग ऐसी है कि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो है वो काइंड ऑफ बच्चों का ही है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है ये देखना। और इन केस अगर ऐसा है कि आप स्टक हो गए, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करना है क्या करना है, जस्ट कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड समहाउ, बिकॉज दिस लैंग्वेज माइट सीम डिफिकल्ट बट इज़ नॉट डिफिकल्ट इफ़ यू पुट योर हार्ट टू इट, और अगर आपको पता है कि आपको ये करना, अगर आपके पास दोस्त हैं आप सब साथ में मिलके कर रहे हो, वो चीज़ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है करना। एंड एक और चीज़, आपके पास एक वजह होनी चाहिए करें। और उस अगर आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो आपके पास एक अच्छा टीचर भी होना चाहिए ठीक है, जो आपको एक
जो हार्डेस्ट चीज़ है उसको इतना सॉफ्ट बना दे, इतना आसान बना दे कि हाँ आपको प्रॉब्लम फेस ना हो, कि ऐसा ना लगे कि यार ये तो पहाड़ है, इसको तो मैं कर ही नहीं सकता। मिशेल थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड आपसे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं।